Hello students, in the previous lecture we have discussed about linear search technique in data structure using C. Today we will talk about binary search. In the linear search, we have searched for an element sequentially by following, by traversing one element at a time and going through the entire list until we find an element which we are searching for or the end of the array came. इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च टेक्निक के बारे में. तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम सर्चिंग एल्गोरिदम है जो कि मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करता है सॉर्टेड लिस्ट पे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टेड लिस्ट? सॉर्टेड लिस्ट का मतलब है कि जो हमारी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज्ड हों, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इस तरह की जो लिस्ट होती हैं उन्हें हम कहते हैं सॉर्टेड लिस्ट्स या सॉर्टेड एरेस. तो जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है ये एक फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम की तरह प्रूव होता है इन केस जब हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है जो अवेलेबल हो और हमने किसी एलिमेंट को उस सॉर्टेड लिस्ट में सर्च करना है. ये सर्चिंग एल्गोरिदम प्रिंसिपल कौन से पे वर्क करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो ये सर्चिंग की जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल पे वर्क करती है. तो रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है इस सर्चिंग एल्गोरिदम की, इस सर्चिंग टेक्निक की, कि डाटा है जो वो हमारा सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए. इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं. हमने किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में कोई किसी पर्टिकुलर नेम के लिए सर्च करना है तो आप टेलीफोन डायरेक्टरी को कैसे सर्च करते हैं? आप क्या करेंगे, टेलीफोन डायरेक्टरी को किसी मिडल पॉइंट पे ओपन कर लेंगे, ठीक है? फिर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर मिडल एलिमेंट में कि क्या वो नाम जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो वो वहाँ पर अवेलेबल है उस पेज पर. अगर तो मिल गया तो ठीक है, आपकी सर्च कंप्लीट हो जाती है. अगर नहीं मिलता तो आप क्या करते हो कि अगर वो नाम छोटा है जिस जो कि आपका मिडल पेज पे आपका एलिमेंट था, नाम था उससे, तो आप क्या करते हो आगे वाले हाफ में उस पर्टिकुलर नेम के लिए सर्च करते हो. अदरवाइज़ आप पीछे वाले हाफ पे टेलीफोन डायरेक्टरी की सर्च करते हो, ठीक है? फिर यही प्रोसेस फिर से रिपीट करते हो. फिर आपने जो फर्स्ट हाफ था सपोज उसमें आपने सर्च करना था क्योंकि आपका जो एलिमेंट टू बी सर्च है वो मिडल पेज के जो नाम था उससे क्या है, लोअर है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में मानकर चल रहे हैं हमारी लिस्ट को, हमारी डायरेक्टरी को, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करते हो, फर्स्ट हाफ को फिर से मिडल में ओपन करते हो, फिर वही प्रोसेस रिपीट करते हो. क्या उस मिडल वाले पेज पे नाम एकर कर रहा है? अगर कर रहा है तो आपकी सर्च कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? अदरवाइज़ फिर से आप उसी के अकॉर्डिंग कि आपका जो नेम है टू बी सर्च्ड वो उस सेकेंड मिडल से छोटा है या बड़ा है, ठीक है? अगर बड़ा है तो आप उस फर्स्ट हाफ के सेकेंड जो हाफ है, राइट मोस्ट हाफ है, उसमें सर्च करते हो. अदरवाइज आप लेफ्ट मोस्ट हाफ में सर्च करते हो, ठीक है? तो ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक कि आपको वो पर्टिकुलर नेम जिसके लिए आप सर्च कर रहे थे वो नहीं मिल जाता. सिमिलरली हम डिक्शनरी में किसी भी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए, वर्ड के लिए सर्च करते हैं तो आप क्या करते हो, यू फर्स्टली ओपन द डिक्शनरी इन द मिडल समवेयर, ठीक है? उसके बाद क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो उस वर्ड को जो कि आपके मिडल पेज पे है, ठीक है, किस पे किस वर्ड से जो कि आप सर्च कर रहे हो उस वर्ड से, ठीक है, जिसका आप मीनिंग ढूंढ रहे थे. अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सर्च है वो कंप्लीट हो गई है. अगर अगर आपका जो डिज़ायर्ड वर्ड था जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर वर्ड से जो उस पर्टिकुलर मिड पेज पे है, मिडल पेज पे है, उससे छोटा है तो आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डिक्शनरी में सर्च करते हो, अदरवाइज आप सेकेंड हाफ में सर्च करते हो, ठीक है?
फिर यही प्रोसेस है जो वो फिर से रिपीट करोगे आप। फिर आप जो फर्स्ट हाफ आपने मान लिया, आप फर्स्ट हाफ में सर्च कर रहे हो, तो आप उस फर्स्ट हाफ वाला जो पोर्शन है उसको फिर से मिडल में ओपन करोगे, ठीक है। फिर कंपेयर करोगे उस पर्टिकुलर मिड पेज पे जो फर्स्ट वर्ड है उससे आपके डिज़ायर्ड वर्ड को। तो ये प्रोसेस है जो कम्प्लीटली चलती रहती है। तो जिस इस तरह से जो हम डिक्शनरी में सर्चिंग करते हैं वो हम किस टेक्निक के थ्रू सर्चिंग कर रहे हैं, बाइनरी सर्च के थ्रू सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली हमने उसे स्टोर कर रखा है, ऑर्डरिंग कर रखी है उसकी, कि पहले क्या है ए से जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं वो आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका फर्स्ट लेटर ए है, सेकंड लेटर भी ए है, उसके बाद वाले आएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट लेटर ए है, सेकंड लेटर बी है, फिर वो आएंगे। फिर ये वाले ए वाले कंप्लीट हो गए तो बी वाले स्टार्ट होते हैं। इस तरह से आपके जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं वो क्या हैं, किसी न किसी सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं, अल्फाबेटिकली हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्निक है जो जिसके थ्रू हम डिक्शनरी में किसी वर्ड के लिए सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ बाइनरी सर्च टेक्निक। तो यही सर्च टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हमारे एरे है, हमारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, उसमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये मोस्ट एफिशिएंटली यूजेबल टेक्निक है इन केस जब आपके पास सॉर्टेड लिस्ट्स अवेलेबल हैं। तो जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्चिंग टेक्निक की, बाइनरी सर्च टेक्निक की, वो क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो लॉग एन कैसे रहती है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी सर्च क्या कर रही है, इट लुक्स फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बाय कंपेयरिंग द मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीरिक्विजिट है सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड है तो हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन में मिडल मोस्ट एलिमेंट के साथ है जो हमारा आइटम टू बी सर्च्ड है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हमें मैच मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो मिड में अवेलेबल था जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे, हम उस आइटम का इंडेक्स वैल्यू है जो वो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पर दो केसेस है कि जो एलिमेंट मिडल में है हमारा उससे हमारा आइटम टू बी सर्च्ड ग्रेटर भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है। अगर हमारा मिडल एलिमेंट ग्रेटर है उस आइटम से जो हम सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी आइटम टू बी सर्च्ड को सर्च करेंगे इन द सब एरे जो कि मिडल एलिमेंट के लेफ्ट में है, ठीक है। अदरवाइज आइटम हम किस में सर्च करेंगे, इन द सब एरे टू द राइट ऑफ द मिडल एलिमेंट, क्योंकि हमारा आइटम टू बी सर्च क्या है, बड़ा है मिडल एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पोर्शन में सर्च करेंगे, एरे के राइट मोस्ट वाला जो सब एरे है उसमें सर्च करेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगी कब तक, जब तक हमारा जो सब एरे का साइज़ है वो रिड्यूस नहीं हो जाता, कब तक, ज़ीरो तक, ठीक है। तो ये है डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल। डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका जो एलिमेंट है, आपने क्या करना है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर उन सब प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। लाइक हमारे पास एक गिवन एरे है, ये हमारा एरे है 8 एलिमेंट्स का, और उन 8 एलिमेंट्स में हमने क्या करना है, हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। तो ये हमारे 8 एलिमेंट्स हैं, ये सॉर्टेड ऑर्डर में हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मिडल एलिमेंट के साथ है जो हमारे एलिमेंट को कंपेयर करना है जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मिडल एलिमेंट हमने मान लिया ये हमारा 4 है जो मिडल एलिमेंट है। तो अगर हमारा एलिमेंट टू बी सर्च्ड है वो इस मिडल एलिमेंट से बड़ा है, तो हम किस में सर्च करेंगे, इसके राइट मोस्ट सब एरे में सर्च करेंगे, और अगर उससे छोटा है तो हम लेफ्ट मोस्ट सब एरे में सर्च करेंगे। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट ये 8 एलिमेंट के एरे को सर्च करने की थी, वो अब सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हमारा एलिमेंट छोटा है तो हमारा सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स हैं जो
उनमें सर्च करेंगे हम, ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसके राइट मोस्ट पोर्शन है जो उसमें सर्च करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर मिड से के इक्वल नहीं है तो हमारा सब एरे का साइज़ है जो वो रिड्यूस हो गया। तो स्टार्टिंग इसकी यही थी, एंड इसका चेंज हो गया, एंड क्या हो गया अब इसका मिड माइनस वन, ठीक है, या यहाँ पर इन्होंने मिड ही ले लिया, ठीक है। और इसका जो लोअर बाउंड है, अगर हम राइट मोस्ट पोर्शन की बात करते हैं तो एरे का कौन सा बाउंड चेंज हो जाएगा, लोअर बाउंड चेंज हो जाएगा, अपर बाउंड वही रहेगा एंड पोजिशन, और जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन। तो हमने अब एरे को, हमारे एलिमेंट को किसमें सर्च करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, इनमें से किसी एक सब एरे में सर्च करना है, ठीक है, या तो इसमें या फिर इसमें, ठीक है। तो अब क्या है, इसी को हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, टोटल एन एलिमेंट्स हैं। अगर हमारा एलिमेंट ग्रेटर है मिडल से तो हम किस में सर्च करेंगे, राइट हाफ में सर्च करेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कितने रिड्यूस हो गए, हाफ से रिड्यूस हो गए, ठीक है। पहले एन एलिमेंट्स में सर्च कर रहे थे, अब हम किस में सर्च कर रहे हैं, एन बाय टू एलिमेंट्स में सर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हमारा एलिमेंट स्मॉलर है मिडल एलिमेंट से तो हम लेफ़्ट हाफ में सर्च करेंगे। लेफ़्ट हाफ का मतलब क्या है, हमारे टोटल एलिमेंट्स एन थे तो लेफ़्ट हाफ क्या हो जाएगा, एन बाई टू, ठीक है। यही प्रोसेस अगर हम सपोज़ इस वे में जा रहे हैं लेफ़्ट पोर्शन में, तो फिर लेफ़्ट के मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, मिडल से अगर ग्रेटर है फिर हम क्या करेंगे, इस लेफ़्ट के फर्दर राइट पोर्शन में सर्च करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसी लेफ़्ट के लेफ़्ट पोर्शन में सर्च करेंगे, लेफ़्ट हाफ में, ठीक है। तो n बाय टू का हाफ क्या हो जाएगा, n बाय फोर, ठीक है, n बाय टू बाय टू। तो ये क्या है, हर लेवल पे क्या है, हमारा जो एरे टू बी सर्च्ड है वो कितना, हाफ से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हम टोटल करते हैं सर्चिंग के लिए वो कितने होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, लॉग ऑफ एन के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ होकर किस में रिड्यूस हो रहा है, हमारे पास लॉग एन तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी रहती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी किसके टर्म्स में हम मेज़र कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस के टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस क्या हैं, फर्स्ट कंपैरिजन यहाँ हुआ, फिर हाफ में रिड्यूस हो गया, सेकेंड कंपैरिजन यहाँ हुआ, फिर हाफ में रिड्यूस हुआ, थर्ड कंपैरिजन यहाँ हुआ। तो लॉग ऑफ एन के इक्वल है जो हमारे नंबर ऑफ़ कंपैरिजन रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो इस तरह से ये डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल वर्क करता है और बाइनरी सर्चिंग है जो वो कंप्लीट होती है। अब बाइनरी सर्च को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि बाइनरी सर्चिंग है जो वो कैसे परफॉर्म होती है। तो आपके पास एक एरे गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42, 44। तो हमने पहले कंडीशन बताई थी कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के लिए हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर इन केस हमें कोई सॉर्टेड एरे नहीं मिलता तो हमें पहले उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें उसमें सर्च परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर हम बाइनरी सर्च के थ्रू एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ सॉर्टेड एरे, ठीक है। और हमने जो आइटम सर्च करनी है वो क्या है, हमने आइटम किसके लिए सर्च करना है, 31 के लिए सर्च करना है कि क्या 31 इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, हमारा स्टेप क्या है कि हम जो सॉर्टेड एरे गिवन है उसके मिडल एलिमेंट के साथ हमारे एलिमेंट टू बी सर्च्ड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो हमने आइटम फाइंड आउट करनी है उस आइटम को किससे कंपेयर करेंगे, मिडल एलिमेंट से। तो मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है। तो मिडल एलिमेंट का इंडेक्स हमें कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूला के थ्रू मिलेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, मिड एलिमेंट फाइंड आउट करने का, लो प्लस ब्रैकेट हाई माइनस लो डिवाइड बाय टू। यहाँ पर लो और हाई क्या है, लो स्टैंड्स फॉर लोअर बाउंड ऑफ एरे, हाई स्टैंड्स फॉर अपर बाउंड ऑफ एरे, ठीक है। मिड स्टैंड्स फॉर मिडल एलिमेंट इंडेक्स ऑफ एरे। तो शुरुआत में हमारा लो क्या है, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि लोअर बाउंड एरे का क्या है, ज़ीरो।
अपर बाउंड क्या है एरे का 9, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या निकालना है, मिडल एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो मिडल एलिमेंट हमारे पास क्या रहेगा, लोअर बाउंड की वैल्यू है 0 प्लस अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, हाई की वैल्यू क्या है 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। 9 डिवाइड बाई 2 क्या रहेगा आपका 4.5, प्लस 0 इज इक्वल टू 4.5, और 4.5 का हम क्या ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं। तो 4.5 की फ्लोर वैल्यू क्या रहेगी, 4, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 4 इज़ द मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। तो 4 क्या है आपके पास, मिडल एलिमेंट का इंडेक्स आ गया। तो हमने किसको एक्सेस करना है, 4 जिस इन जो एलिमेंट 4 इंडेक्स पे है उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमने आइटम सर्च करनी है। तो 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 27। इस 27 के साथ हम कंपेयर करेंगे किसे, हमारा जो एलिमेंट हमने सर्च करना था 31। इस 27 इज इक्वल टू 31, क्या ये इक्वल है, नहीं है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, क्या जिस आइटम के लिए हम सर्च कर रहे थे वो इस मिडल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। तो 31 27 से बड़ा है या छोटा है, 37 इज़ ग्रेटर देन 27, सॉरी 31 इज़ ग्रेटर देन 27। तो हम किस में कंपेयर करेंगे, हम किधर कंपेयर करेंगे, हमने किस तरफ मूव करना है, हमारे राइट सब एरे की तरफ, ठीक है। क्योंकि जो आइटम टू बी सर्च्ड है वो 31 है, 31 इज़ ग्रेटर देन 27। तो हमने किस में सर्च करना है, जो हमारा इस साइड का राइट साइड का जो सब एरे है उसमें हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था अभी तक, यहाँ पर हमने 4th इंडेक्स के जो एलिमेंट है उसको कंपेयर किया इसके साथ 31 के साथ। हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर मैच नहीं है, मैच नहीं है तो 31 इज़ ग्रेटर देन 27। तो हमने कहाँ जाना है, राइट मोस्ट सब एरे में। फिर यही प्रोसेस आगे चलेगी, अब राइट मोस्ट हमने लेफ्ट को भूल जाना है, ठीक है, राइट मोस्ट सब एरे की तरफ जाना है हमने। तो राइट मोस्ट सब एरे में जाने के लिए पीछे मैंने दिखाया था आपको, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो बड़ा है, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो बड़ा है मिडल से, तो आप राइट में जाएंगे। राइट में जाएंगे तो राइट वाले हाफ के साथ फिर से मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो राइट वाले हाफ में मिड वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट करने पड़ेंगे। तो अब हमारा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू से एक बड़ा। तो मिडल इंडेक्स हमारा प्रीवियस स्टेप में क्या था, 4 था, ठीक है, 4 था। तो मिड प्लस 1 क्या हो गया, 5। ये हमारा क्या हो गया, जो जिस राइट सब एरे में हमने सर्च करना है उसका लोअर बाउंड, लो की वैल्यू क्या हो गई अब, 5 हो गई। अपर की वैल्यू क्या होगी, हाई की वैल्यू क्या है आपकी, 9 ही है, क्योंकि एंड तो यही है। सब एरे चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री होगी रादर देन यहाँ से यहाँ, ठीक है। पहले हमारे पास कंप्लीट था, अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको फिर से एक एरे मानते हुए फिर से वही प्रोसेस है जो चलानी है, ठीक है। जैसे कि हमने डिक्शनरी के जो पीछे का हाफ है उसको खोला, अब उसको कहाँ से खोलेंगे, फिर से मिड में खोलेंगे। तो हमने मिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला आपका, लो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मिड प्लस 1, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या है, लो की वैल्यू क्या है 5, 9, हाई की वैल्यू है माइनस 5, ठीक है। 9 माइनस 5 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 प्लस 5 7। तो आपका मिड इंडेक्स क्या आ जाएगा, 7। अब हमारा मिडल इंडेक्स क्या है, 7। हमने क्या करना है, इस मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है हमने जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं उसको। तो अब मिडल एलिमेंट क्या है हमारे पास, 35। इज 35 इज इक्वल टू 31, नो। तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, इज 31 इज लेसर देन 35 और 31 इज ग्रेटर देन 35। तो हमारी क्या कंडीशन है, 31 इज लेसर देन 35। तो हम जब लेसर होता है तो हम किस में जाते हैं,
लेफ्ट मोस्ट सब एरे में। तो ये हमारा कंप्लीट एरे था, इस सब एरे को हम एक कंप्लीट एरे मान रहे हैं। अब इसके साथ कंपेयर किया था, ये मैच नहीं मिला तो हमने इसके लेफ्ट सब एरे में जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट सब एरे में जाएंगे तो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स यही रहेगा, लोअर बाउंड 5 रहेगा, अपर बाउंड चेंज हो जाएगा। अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड इंडेक्स 7 था तो मिड माइनस 1 क्या हो जाएगी, हमारी हाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू हाई क्या रहेगा हमारा, मिड माइनस 1, ठीक है, मिड माइनस 1। तो लो की वैल्यू है आपके पास 5, हाई की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 1 6, लो की वैल्यू 5 थी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 5 प्लस 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 2 हाफ हो गया 0.5, 5.5 इसका हमने इंटीजर वैल्यू ले ली 5, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आपका सब एरे आ गया था, ठीक है। और इस सब एरे में जो मिड एलिमेंट की वैल्यू निकली है वो क्या है, 5 इंडेक्स, ठीक है। तो इस 5 इंडेक्स वाली आइटम को हम सर्च करेंगे, इज 31 इज इक्वल टू 31, यहाँ पर हमें मैच मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हमें मैच मिल गया इस मिड एलिमेंट से। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। तो हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़े हैं, हमें कितने कंपैरिजंस करने पड़े हैं, पहला कंपैरिजन हमने यहाँ किया 27 के साथ, फिर सेकंड कंपैरिजन हमने किया 35 के साथ, ठीक है, फिर हमने 31 के साथ, ठीक है। तो हमें कितने कंपैरिजंस करने पड़े, 3 कंपैरिजन करने पड़े, किसके केस में, जब हम बाइनरी सर्चिंग के थ्रू हम सर्चिंग कर रहे हैं। और इन केस अगर हमें लीनियर सर्च के थ्रू सर्चिंग करनी थी तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ते सक्सेसफुल सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लीनियर सर्च के थ्रू सर्चिंग कर रहे हैं तो हमें 6 कंपैरिजन्स करने पड़ते, ठीक है, और बाइनरी सर्च के थ्रू हमने इसी एलिमेंट को अगर सर्च किया तो हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़े, 3। तो ये मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम है सर्च करने का, मगर इसमें जो एक प्री रिक्विजिट है वो क्या है कि एरे शुड बी इन सॉर्टेड फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपका सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो उस केस में अगर आपको कहा जाता है क्वेश्चन में कि आपने बाइनरी सर्च के थ्रू सर्चिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस एरे को सॉर्ट करना है और उसके बाद फिर सर्चिंग परफॉर्म करनी है।